हेलो एवरीवन, 9 दिसंबर 2018 को पीआरटी सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट है। एक बार और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने के एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है, जी पूरी तरह निर्धारित नहीं की जा सकती जीनों से। अगला पॉइंट है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता, किसी भी जन्मजात विकार को दूर नहीं कर सकता पौष्टिक आहार। जैसे मान लीजिए बेचारे किसी कोई पैर से अपंग है, तो क्या पौष्टिक आहार उसकी अपंगता को दूर कर सकता है? नहीं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर है, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नहीं, केवल और केवल भाषा विकास में नहीं निभाता, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला ऑप्शन है, स्कूल शिक्षा की यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, तो ये गलत है, लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, ये भी पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। चौथा पॉइंट है, जीवन सच्चा शिक्षा का, ये भी गलत है। अगला पॉइंट है, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है, वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, ये भी गलत है। दूसरा, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह भी गलत है। इसमें पूछा गया खालिस्तान के अलावा, तो ये सही वाले हैं, जो हमको गलत है वो वाला पॉइंट बताना है। तो जो गलत है, इसके अलावा खेल युवा बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ये वैसे तो गलत है पर गलत वाला ही पूछा गया, इसके अलावा सारे सही हैं इसमें, तो ऑप्शन थर्ड है जो इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला पॉइंट है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? दूसरा पॉइंट है, सही जवाब क्या है। अगला पॉइंट है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट है। अगला पॉइंट है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, पहला पॉइंट है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, यह पॉइंट गलत है। दूसरा है, मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, हाँ यही सही है, उभयलिंगी होते हैं जो, उसमें स्त्री और मर्दों के दोनों के गुण समायोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण कर सकते हैं, परंतु जो समाजीकरण होता है इसके द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं की जाती, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक का मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी होते हैं, जो ये होते हैं, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें बताना कौन सा पॉइंट सही है। पहला पॉइंट है, बच्चों की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने में, ये भी गलत है, और बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में तथा तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ये दूसरा पॉइंट है, बिल्कुल सटीक है, यही दूसरा पॉइंट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी गलत है। दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, वह उनका उपयोग करता है, यही इसका करेक्ट है। जहाँ जिस संस्कृति से वो आए हैं उसी का उपयोग करके उनको शिक्षा दी जाती है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है।
पहला पॉइंट है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग से। अनुकूलित, अनुकूलित मतलब जैसा बच्चे के लिए अनुकूल है ऐसा ही उसको सिचुएशन प्रोवाइड करना, तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर ये भी गलत है, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर ये भी गलत है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो जो उपयुक्त नहीं है वो वाला पॉइंट हमको बताना। पहला पॉइंट है कार्य को छोटे और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये तो सही है पर सही वाला नहीं पूछा गया, इसमें गलत वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा इसमें। दूसरा पॉइंट है इसका अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी नहीं आएगा इसमें, मतलब है पर इसमें लिया नहीं जाएगा, गलत वाला पूछा है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, ये भी ठीक है परंतु ठीक वाला नहीं पूछा हमसे, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो ये ही गलत है, गलत वाला पूछा गया है, इसका ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। तो जो इसका ऑप्शन है वो फोर है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण मतलब कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब जो एक जगह फोकस करते हैं, जो फैलाव नहीं करते, बच्चे की सृजनात्मकता को जो बढ़ाते नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन फोर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो पहला पॉइंट है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ये भी गलत है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बच्चे का खुद का अनुभव है, तो ऑप्शन टू इसका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट देख लेते, तो बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, बच्चों ने गायों को देखा हो, देखा भी हो तो उसको क्या पता कि गाय दूध देती है, उसने दूध देते हुए थोड़ी देखा है, इस पॉइंट में दूध देते हुए नहीं बताया, तो इसका जो ऑप्शन टू है बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर बताया, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड भी गलत हो जाएगा, और बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी गलत है, तो ऑप्शन टू इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला पॉइंट है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, ये भी गलत है, अनुशासन, इतना अनुशासन भी ठीक नहीं रहता। अगला पॉइंट है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को लेकर के बैठ जाए, कुछ अनुभवों को प्रदान नहीं करे, तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, ये भी गलत है, पाठ्यक्रम को पूरा करता रह जाए उसमें बच्चा कुछ गेन नहीं कर पाए तो उससे क्या फ़ायदा। चौथा पॉइंट है आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे खुद सीखते हैं, तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पहला पॉइंट है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुँच से परे हो, जो सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो जाए तो ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हों, सेल्फ मतलब मेज वगैरह में, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सकती सके, तो ऑप्शन टू इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त तो खेल के लिए बाहर लाया जाता है, एक बार ही लाया जाता है तो क्या फायदा उससे, ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ये भी गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक सामग्री आ गई इसमें, ऑप्शन टू इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, क्या पता वो प्रेरित अच्छी वर्दी से ऐसे कैसे पहचान सकते हैं बच्चे प्रेरित है या नहीं।
दूसरा पॉइंट है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन से यह नहीं पता लगाया जा सकता कि बच्चा प्रेरित है या नहीं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, उपस्थिति प्रेजेंट हैं, उनकी सारी सारी कैसे पता लगा सकते हैं बच्चा प्रेरित हुआ है या नहीं। अगला पॉइंट है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते। हाँ, बच्चा एक्टिव हुआ तो प्रश्न पूछा, इसमें प्रेरित हुआ बच्चा, तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम के सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला पॉइंट है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, ये भी गलत। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, हो सकता है दूसरा। आगे देख लेते हैं एक बार, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री का होना, शिक्षण सामग्री हो जाए उसको यूज ना करना बताएं तो क्या फायदा उसका। अगला पॉइंट है शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर, ये बिल्कुल सटीक है, जो वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित हो, बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। पहला पॉइंट है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, इस पॉइंट ये वाला पॉइंट हो सकता है, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट चुप्पी साधे रहने के लिए, ये भी गलत हो गया। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, ये भी गलत। बच्चों को अपने पाठ को रट कर याद करने के लिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।